सबसे पहले स्पाइसी भोजपुरी देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। और आज हम अपने फिल्म राधे के सेट पे हैं और अपने जो हमारी हाथी है, हमारे देवता स्वरूप आज देख रहे हैं आप लोग। ऐसा लग रहा है कि भगवान के पास हम खड़े हैं। मैंने भगवान का दर्शन नहीं किया लेकिन हमारे लिए यही भगवान है और मैं सेवा करूँ। देखिए हमारे राधे मांग रहा है कुछ, तो इसको मैं कुछ फ्रूट खिला रहा हूँ। कितने प्यार से ये खा रही है। आज अपने हाथों से फ्रूट खिला के ज़िंदगी सफल हो गई, धन्य हो गया। और ये बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। नहीं, पहले दिन तो मैं डरा लेकिन हाथी के साथ ये इनसे परिचय करा दो, ये हाथी के साथ आए हैं और भैया आप भी आ जाइए। इन लोगों ने ऐसा मुझे हौसला दिया कि एकदम डर ख़त्म हो गया। अभी देखिए हमारी दोस्त बन गई है और बहुत अच्छे से काम करता हूँ। जितना अच्छा से मैं एक्टिंग नहीं करता उससे अच्छी एक्टिंग ये करती है। तो इसका रियल नाम पार्वती है और राधे इस फिल्म में कैरेक्टर का नाम है। आप देख भी रहे होंगे सर पे इसके राधे नाम है। तो इस फिल्म का मेन हीरो यही है। फर्स्ट टाइम मैं रवि सर के साथ, रवि किशन भैया के साथ काम कर रहा हूँ। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और फर्स्ट टाइम भोजपुरी में हाथी आ रही है तो हमारी जो ऑडियंस है, हमारी हिंदी या भोजपुरी जितनी सारी ऑडियंस है, जानवर से बहुत प्यार करती है। तो जब ये हमारी हाथी आएगी हमारे भोजपुरी फिल्मों में तो ज़रूर कुछ नया होगा। ये नया एक्सपेरिमेंट किया हमारे डायरेक्टर रितेश ठाकुर जी ने। ऐसी सोच को सलाम है और नेहा श्री इंटरटेनमेंट के बैनर तले राधे फिल्म रहे। नेहा श्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस फिल्म का हिस्सा मुझे बनाया। कहानी जब उन लोगों ने सुनाया तो बोला कि हाथी है, तो मैंने बोला ठीक है मैं करूँगा इस फिल्म को। मैंने हाथी जान के ही मैंने ओके कर दिया था कि कुछ दिन तो भगवान के साथ गुजारूँगा। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रहा है और आप देख भी रहे होंगे कितने घुल मिल के हम लोग साथ में हैं। बहुत ज़्यादा। और जब इस फिल्म का पैकअप होगा तो बहुत मिस करेंगे, खास करके अपने राधे को। और इसको स्नान कराना, फ्रूट खिलाना, मतलब ये सब सारी बातें याद रहेंगी। और आपने सही बोला, डर लगता है कि नहीं, लेकिन सही बता रहे हैं दिल से कि मेरे को अब थोड़ा भी बहुत डर नहीं लगता है। तो ये बहुत अच्छी दोस्त भी बन गई हमारी और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और एक और खुशखबरी देना चाहेंगे कि बहुत जल्द हम लोग फिर से राधे के साथ काम करेंगे। और जब भी मौका मिला तो मैं हमेशा इसके साथ काम करूँगा। अभी मेरा ये 15-16 दिन हो गया यहाँ पे आया। और राजपिपला गुजरात में बहुत अच्छा लोकेशन है, बहुत शांति यहाँ पे महसूस होती है, काम करने में बहुत मज़ा आता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। और इस फिल्म का 70% अभी काम ख़त्म हो गया है। अभी सॉन्ग चल रहा है, एक्शन चल रहा है, तो बस फाइनली कंप्लीट के दौर पे है। और एक मूवी आई थी हाथी मेरे साथी, तो ये मूवी हिंदी और बड़े लेवल पे भी मूवी थी। आज की दूसरी मूवी बनी नहीं हाथी के ऊपर, चाहे हिंदी है चाहे कोई भी है, तो उससे रिलेटेड कितनी नहीं, इसकी कहानी बिल्कुल अलग है जो राधे फिल्म की कहानी है। और इसमें एक बात और बताना चाहूँगा कि इसमें केवल हाथी नहीं, इस फिल्म में महादेव जी भी हैं, सांप भी है इस फिल्म में। तो हाथी मेरे साथी से बिल्कुल ही अलग है। आप लोग जब देखेंगे, कहानी में नहीं बताऊंगा क्योंकि कुछ सस्पेंस है, आप लोग जब ये फिल्म देखेंगे तो मालूम चला कि नहीं, अब भोजपुरी में अच्छी अच्छी फिल्में बनना स्टार्ट हो गई हैं। तो हमारे दर्शक आएंगे एक बार, हमें और रवि किशन जी को एक बार फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो उन्हें देखने, हाथी को देखने। तो मुझे उम्मीद है कि जब भी ये फिल्म लगेगी आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी।